गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। टुडे वी विल रिवाइज आवर फिफ्थ लेसन प्लांट लाइफ। बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास आई वांट टू शेयर अ थॉट। लिसन केयरफुली। एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। इट मीन्स बेटा, शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर है। ओके, इट मीन्स कि शिक्षा हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की तरफ ले जाती है। सो लेट स्टार्ट आवर क्लास रिविजन ऑफ फिफ्थ लेसन प्लांट लाइफ। फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ वंस ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स बेटा, अपने ही जैसा यंग वंस पैदा करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब प्लांट की बात है, इट मीन्स प्लांट, एक प्लांट का अपने ही जैसा प्लांट पैदा करना ही क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें अपने ही जैसा एक प्लांट पैदा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स जनरली रिप्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स जनरली इन टू मेथड से, वन एंड सेकंड, टू मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट क्या है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। इट मींस सीड्स के थ्रू एक नया प्लांट, अपने एक प्लांट है उसके सीड्स, उसी का सीड है, उसके फ्रूट के अंदर जो मिलता है, उसी के थ्रू एक नया प्लांट प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। नेक्स्ट मेथड इज रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट। किसके थ्रू हो रहा है रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या है? वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का ही पार्ट है जिससे कि एक नया प्लांट पैदा हो सके, प्रोड्यूस किया जा सके। ओके, लाइक स्टेम, रूट, लीव। ठीक है, लीव्स होती हैं, उनके थ्रू एक नया प्लांट पैदा होता है, उन्हीं पार्ट्स को ही बोलते हैं, वो प्लांट का ही वह पार्ट है जिनसे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड में सीड क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आ सीड इज अ स्मॉल हार्ड पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोस। सीड एक प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ एक हार्ड पार्ट है जिससे कि एक नया प्लांट ग्रो होता है, एक नया प्लांट पैदा होता है, निकलता है, बढ़ता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन द फ्रूट ऑफ द प्लांट। यह यूजुअली प्लांट का जो फ्रूट होता है उसके अंदर ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सीड स्ट्रक्चर, सीड की बनावट। ठीक है, उसकी संरचना। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज सीड कोट। ये जो बाहरी आउटर मोस्ट कवरिंग है, थिक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सीड की, उसको बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सीड कोट। एंड सीड कोट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सीड। जो सीड कोट होता है वो बाहरी कोट होता है, बाहर की सीड की, बाहर की जो थिक मोटी परत होती है वो सीड कोट होता है, उसके अंदर वो सीड का जो इनर पार्ट होता है वो सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। एंड उस सीड के, सीड कोट के अंदर एक छोटा प्लांट रहता है, छोटा प्लांट जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और इसके अंदर एक बेबी शूट होता है और एक बेबी रूट होता है। बेबी शूट क्या होता है? जो प्लांट का जो पार्ट जमीन के ऊपर ग्रो करता है उसको शूट बोलते हैं, और प्लांट के जो जमीन के नीचे, ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है वो क्या होती है? रूट। और इस एम्ब्रियो के अंदर है बेबी शूट एंड बेबी रूट जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, एंड वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये सीड के आपको जो टू पार्ट दिखाई दे रहे हैं, वन एंड सेकंड, ये क्या है? इस सीड के टू कोटिलेडंस हैं, वन एंड सेकंड। और इस टाइप के सीड,
इस टाइप की सीड जिस प्लांट्स के होते हैं उन प्लांट को बोलते हैं डाइकोटिलेडन, या फिर शॉर्ट नेम भी बोलते हैं डाइकोट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सीड जर्मिनेशन। सीड से प्लांट का जर्मिनेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन, सीड का अंकुरित होना, द प्रोसेस थ्रू विच अ सीड बिगिंस टू ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। मीन्स एक प्रक्रिया है जिसके अंदर एक सीड जो होता है वो एक नए प्लांट में ग्रो होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सीड है जो कि एक नए प्लांट में ग्रो होता है, इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ओके, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वाटर, वार्म एंड एयर। और इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस का पूरे होने के लिए, यानी कि सीड जर्मिनेशन के लिए किसकी रिक्वायर्स होती है, आवश्यकता होती है, वाटर की, वार्म की एंड एयर की, इन सभी की जरूरत है। जब एक सीड एक जमीन के अंदर प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, प्लेस्ड किया जाता है, और उसको ये थ्री, वन टू थ्री, ये चीजें, ये थिंग्स प्रॉपर मिलती है, तब सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। ओके, एक्सेट्रा। प्लांट्स हैविंग सीड्स विद वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन। मैंने कहा था कि टू पार्ट हैं, टू कोटिलेडन है, उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन। अब ये है प्लांट्स हैविंग सीड्स विद वन कोटिलेडन, मीन्स प्लांट्स जिनके सीड में वन कोटिलेडन होता है उन प्लांट को बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। ओके, देन प्लांट्स हैविंग सीड्स विद टू कोटिलेडन, अब क्या है टू कोटिलेडन, जो हमने अभी इस पिक्चर में देखा था कि सीड के टू पार्ट है, वन कोटिलेडन एंड सेकंड कोटिलेडन, उस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्लांट्स हैविंग सीड्स विद वन सॉरी टू कोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स। अभी मैंने बताया था उसको शॉर्ट नेम में बोल देंगे हम डाइकोट उसको, और वन कोटिलेडन प्लांट्स वाले को शॉर्ट नेम बोलेंगे मोनोकोट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, इस प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो वेजिटेटिव पार्ट क्या है जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, मीन्स प्लांट की जो रूट्स होती है उन रूट्स के थ्रू नया प्लांट प्रोड्यूस होना। ओके, इट मीन्स क्या होता है बेटा, रूट्स के द्वारा नया प्लांट प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू, लाइक स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, प्लांट की स्वेलेंट रूट्स हैं, में सूजी हुई फूली हुई रूट्स हैं, जो कि मिट्टी में जब वो दफन हो जाती है और जब वो अलग जाके एक नया प्लांट ग्रो करती है। ओके, तो रूट्स के थ्रू क्या होता है, रूट्स क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, मीन्स स्टेम्स के थ्रू, प्लांट का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसके थ्रू नया प्लांट जो ग्रो होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, लाइक शुगर केन, टर्मरिक, जिंजर, ऑनियन, पोटैटो, ये सारी जो वेजिटेबल्स और जो शुगर केन है इनका प्रोपेगेशन, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है। ओके, इनका जो रिप्रोडक्शन है, जो नया प्लांट जो प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है। एंड नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, मीन्स लीव्स के थ्रू नया प्लांट प्रोड्यूस होना, वही क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। इसमें क्या होता है बेटा, लीव्स के जो एजेस हैं यानी कि किनारे हैं उन पे छोटी छोटी लीव्स ग्रो हो जाती हैं, और जब वो लीव्स वहाँ से जमीन के ऊपर गिरती है तब वो एक नए प्लांट का रूप ले लेती हैं, इट मीन्स नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। और इस टाइप से जैसे लीव्स के थ्रू जब एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है उसी को बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट
का प्रोड्यूस होना, इसके जो लाभ है, एडवांटेजेस है, वो क्या है? इसके टू मेजर एडवांटेजेस है बेटा. फर्स्ट इज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो जो प्लांट है, जिसका हमें नया प्लांट चाहिए, छोटा प्लांट चाहिए उसका, तो उस प्लांट की हमें एग्जैक्ट कॉपी, उसके जैसे ही एग्जैक्ट कॉपी हमें मिल सकती है. किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू. एंड सेकंड एडवांटेज क्या है? प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ग्रो फास्टर. क्या है? फास्टर एज कंपेयर टू द प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स. सेकंड जो एडवांटेजेस है वो क्या है? वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो सीड के जो सीड के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, सीड के थ्रू जो प्लांट प्रोड्यूस होता है, उससे कंपेयर किया जाए तो इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हमें प्लांट प्रोपेगेशन जो रिप्रोडक्शन है वो जल्दी होता है. ठीक है, सीड के थ्रू क्या होता है? टाइम लगता है, और जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसमें कम समय लगता है, वो फास्टर होता है, तेजी से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.